हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग होने वाला है इसकी तरह डू समथिंग ऑसम। तो ऑसम तो आज भी हम लोग कुछ ऑसम करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से इलेक्ट्रॉनिक रिव्यूज दे रहा था। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को टॉयस का वॉच, मैं आप लोगों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज दे रहा था। मैं काफी टाइम से कोई फूड रिव्यू नहीं लाया था आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फूड रिव्यू। वो फूड रिव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं वो खुद भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और जो मेरा उससे पहले उसको खाने के बाद जो रिएक्शन होगा वो लाइव रिएक्शन होगा। सो विदाउट एनी डिले, सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। जगह के पर आकर बैठ चुका हूँ और आप ये देख सकते हैं इतने सारे नूडल्स रखे हुए हैं। इसका नाम है ये फिजोन। और आज दूंगा मैं इस चीज का रिव्यू। कितनी सारी हैं ये, वाओ। तो अब तक की बेस्ट नूडल्स मेरी ये थी, नॉर्स की चटपटा फ्लेवर। मैंने बहुत सारी नूडल्स ट्राई करी हैं, इंडोमी नूडल्स सूप्स वगैरह की। ब्लाजन का तो रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर है भी, देखने तो जाके देखें। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नूडल्स ट्राई करी हैं, लेकिन अभी तक की मोस्ट फेवरेट मेरी ये है। शायद ये हो सकता है ये रिप्लेस होकर ये वाली आ जाए मेरे सबसे फेवरेट लिस्ट के अंदर। लेकिन अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं करी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो रिएक्शन होगा वो ओरिजिनल होगा। और देखिए, मैंने इसको बनाने के लिए सारे स्टोव जिसके अंदर बनाते हैं भगोना वगैरह ये सब कुछ रखा है। स्पून स्टॉक तो मेरे पूरे वीक का है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दूंगा एक करेंगे। और अगर ये मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ये बांट दूंगा फ्रेंडली। चले सबको करते हैं साइड के अंदर और सबको इसको पक्का। तो इसे स्टोव को खींचते हैं इसके अंदर सिलेंडर का। और अब तो ये पॉट है, अब इसके बाद बनाएंगे हम मैगी। इसको स्टोव के ऊपर रख देते हैं और ये स्पून है, इससे हम चलाएंगे। और अगर कोई मेरा व्लॉग कोई बच्चा देख रहा है तो आज मैं उनसे कह देता हूँ कि जो है ना, आप अपने सिबलिंग या फिर पेरेंट्स के मदद से बनाइए। और यहाँ पर भी मैं किसी की हेल्प लूंगा, अकेले चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। तो चलिए हम फिजोन हम खोलते हैं। वेट, कुछ प्रिकॉशन है वो अप्लाई करता हूँ पहले। तो चलिए हम इस चूल्हे को खोलते हैं। मैंने चूल्हा खुलवा लिया, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालता हूँ। आप लगा रही हो? ये देखिए, इसका लिक्विड मसाले सॉस टाइप का। अब देखें ये इसके नूडल्स हैं। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब ये वाली जिसके अंदर है इसको भी डाल देंगे। तो ऐसे बस आप चलाते रहे। उस वक्त तक ऐसा छोड़ना नहीं है जब तक ये खुल नहीं जाए और पूरी बॉइल नहीं हो जाए। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तब इसका गेम शुरू होगा, जब इसके अंदर डालेगा ये, फिर आएगा इसका लेवल। अभी तक ये शादी शादी दिख, मैंने इसके सिनेमैटिक शॉट भी बनाए, अब आप लोग देख कर पहले। अब देखिए ये टूट गया। तो आम मैगी इसके अंदर ये होता है, डिफरेंट है ये कि इसका पानी जो है ना इसके अंदर ही रखते हैं और इसका पानी ड्रेन करना पड़ता है। देखिए ये बॉईल होने के ऊपर आ गई है बहुत।
मैं इसको ड्रेन करवा देता हूँ। जब तक ड्रेन हो रहा है वाटर उसका, तो मैं आप लोगों को पकड़ पढ़ के भी दिखा देता हूँ। है माइल्ड हॉट और फायरी हॉट, यानी ये फायरी हॉट है। वाओ, इट मींस कि ये बहुत स्पाइसी होने वाली है। सॉस पानी में मिल, मैंने उसको ड्रेन तो करा दिया, लेकिन मैंने इसके अंदर 10 स्पून पानी छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो सॉस है वो पानी के अंदर हल हो जाए और बिल्कुल ड्राई ना लगे खाने के अंदर, और इसका टेस्ट अच्छा है। तो मैंने ये खोल दिया, अब इसको डालते हैं इसके अंदर। इसकी तो बहुत तेज स्मेल आ रही है, तो चलें हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। अब चूल्हा खोल दें, इसको थोड़ा सा पकाना भी है। कह रही है कि इसको जो है चूल्हा थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो है ना इसकी मैगी ऊपर आ रही है और मसाला नीचे जा रहा है। अब चूल्हा खोल देते हैं ताकि ये मसाले जो है ना मैगी के ऊपर लग जाए। माँ कह रही है अब जो ये मसाले है इसका, ये सारा अब हो जाएगा इसके अंदर सेट। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और डिश आउट करके इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने ट्रे निकलवा लिया और स्पून भी नहीं और फोक भी निकलवा लिया, अब इसको करवाते हैं डिश आउट। देखिए मम्मा डिश आउट कर रही हूँ, देखें कितनी अच्छी लग रही है ये। वाह, देखने के अंदर वाह, देखें इतनी प्यारी हुई है। ये देखने में बहुत स्पाइसी लग रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरा बहुत दिल चाह रहा है इसको खाने का। देखने में तो ये बहुत स्पाइसी लग रही है, और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत स्पाइसी लग रही है उससे भी। लेकिन अब देखते हैं ये खाने के अंदर स्पाइसी होती है या फिर नहीं होती। और चटपट नॉर्थ की चटपट मैगी को ये बीट कर पा जी। ये मम्मा कर रही है जल्दी जल्दी ठंडा, फिर मैं इसको करूंगा टेस्ट, और फिर देखते हैं ये मेरी कबर्ट का स्टॉक चटपटा नॉर्स का स्टॉक यही रहता है ये, फिर ये रहता है फ्रिजॉन। अब देखते हैं, अब ये वाले इसको थोड़ा टेस्ट कर लूँ पहले, फिर बताऊंगा आप लोगों को। मैं होने से भी दूंगा, तब जाए चले इसको ट्राई करते हैं। तो स्मेल तो बहुत अच्छी है ये, चले रेस्टोरेंट। अच्छी है, एक और बाइट तो बनते हैं, मैं पहले वाले में जज नहीं कर सका सही से। तो फिजान डाल अच्छी है, तो मेरा कबर्ड का स्टॉक अभी फिजान ही रहेगा। समटाइम ये समटाइम ये, क्योंकि इसके टक्कर की जो है ना चटपटा फ्लेवर की जो है ना ये टक्कर की हो गई है फिजान। तो ये नूडल मुझे बहुत अच्छी लगी, अब मैं इसको पूरा खा लूंगा। इसके अंदर स्पाइसेस ऐसी हैं कि बच्चे भी खा सकते हैं और इंसान भी। जो नीलों के अंदर अच्छी है ना, ये खाने के अंदर भी उतनी अच्छी, बस थोड़ा सॉल्ट कम है। कभी मैं सॉल्ट इसके अंदर खा डाल के खाता हूँ, लेकिन अभी व्लॉग की एंडिंग करना है। सो आई होप यू लाइक माई रिव्यू एंड व्लॉग। तो मुझे मिर्चें लगती हैं, तो मैं ये बिस्किट खाता हूँ पहले। और मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, आप लोग भी ट्राई करना, इसको बहुत अच्छी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।